साथ लिए शाहजहां के उर्स पर की चादर पोशी का आयोजन। ताज युवा समाज सेवी दानिश खान ने शाहजहां की कब्र को चादर चढ़ाई। इसमें सभी धर्म के लोग उपस्थित रहे। साथ में उन्होंने अपने भारत का तिरंगा झंडा हाथ में लिए, कोई एक संदेश भी दिया। मेरा नाम दानिश खान है और आज ताजमहल के उर्स मुबारक पर हम लोग शहर में अमन चैन के लिए, देश में अमन चैन के लिए भाईचारा कायम रहे, इसकी दुआ मांगने, एक छोटा सा मैसेज एकता का देने जा रहे हैं। और सभी शहरवासियों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि सभी लोग धर्मों के जुड़ रहे हैं और सभी लोगों का सम्मान के साथ सबका स्वागत किया गया है यहाँ पर। और शहर के लिए और पूरे वतन के लिए दुआ मांगी जाएगी। कितनी लंबी चादर कोविड को देखते हुए कमी रखी गई है, प्रोटोकॉल का पूरे नियम का पालन करते हुए तो चादर छोटी रखी गई है, वरना चादर जो सिलसिला है वो बड़ी रहती है, पर इस बार चादर छोटी रखी गई है। कितने लोग जा रहे हैं आपको? ज़्यादा नहीं, 30-35 लोगों को जो कोविड के नियम के अनुसार हो। मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। आप लोग चादर चढ़ाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे छोटे भाई दानिश ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, समाज सेवी संगठन के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा भाई हर समय एक ना एक अच्छा प्रोग्राम ऐसा रखता है जिससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। आज उसी को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया है, शाहजहां के उस मुबारक के मौके पर हम लोग चादर पोशी करने ताजमहल जा रहे हैं। बिल्कुल, हम काफी तादाद में सभी धर्म के लोग जा रहे हैं, बिल्कुल, और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चादर चलाने जा रहे हैं, क्या जानकारी? आज ताजमहल का उर्स मुबारक है और मैं पूरे शहर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और यहां से दानिश भाई ने चादर पोशी का प्रोग्राम रखा है सुई कटरे के में। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज बड़ा शुभ मौका है, आज शुभरात्रि भी है और वहाँ का ताजमहल का उर्स मुबारक भी है। उस तरीके से यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर दानिश भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करी है, जिसमें मैं दानिश भाई का शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, जो मुझे भी बुलाया। और यहाँ के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे मोहल्ले बस्ती का, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर दानिश भाई ने बुलाकर बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, जो जिसकी जितनी तारीफ करी है उतनी कम है। और इस मौके पर मैं चाहता हूँ मेरे देश में, मेरे शहर में अमन और चैन रहे।